संदेश खाली पर बीजेपी और टीएमसी के बीच बवाल थमा नहीं था कि पश्चिम बंगाल में एक और बवाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में कई लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी और टीएमसी फिर से आमने सामने है। इस मसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इस पर गंभीर चिंता जताई है। जिन लोगों के कार्ड निष्क्रिय किए गए हैं, राज्य सरकार उनके लिए अलग से कार्ड जारी करेगी ताकि उनकी बैंकिंग सेवाओं में कोई मुश्किल ना आए। पूरे मामले की शुरुआत पिछले हफ्ते से हुई, जब पश्चिम बंगाल के बर्दवान, नदिया और बीरभूम जिले समेत कुछ इलाकों में लोगों को अचानक UIDAI के रांची दफ्तर से स्पीड पोस्ट के जरिए एक चिट्ठी मिली। इसमें लिखा गया था कि चिट्ठी पाने वाले लोगों के कागज पूरे नहीं हैं और वो भारत में रहने की पात्रता को पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से उनके आधार कार्ड को निष्क्रिय किया जा रहा है। चिट्ठी मिलने के बाद स्थानीय लोगों के बीच बवाल मच गया और वो पूरे मसले को लेकर स्थानीय प्रशासन के पास पहुंचे, लेकिन इस मामले की जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास थी ही नहीं। जब बात कोलकाता तक पहुंची, तब ममता बनर्जी के मुख्य सचिव ने एक पोर्टल बनाने के आदेश दिए, जहां पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सके। उन्होंने साथ ही लोगों को राज्य सरकार की ओर से वैकल्पिक कार्ड देने का भी भरोसा दिया है। इस तरह की चिट्ठी कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के मथुआ बहुल इलाके में कई लोगों को भी मिली। इस समुदाय के लोग पहले से ही NRC के विरोधी रहे हैं। आधार कार्ड रद्द होने की सूचना से बीते 3 दिनों से मथुआ समुदाय में चिंता बढ़ गई है। ये समुदाय TMC के अलावा BJP का भी वोट बैंक रहा है। ममता बनर्जी ने BJP पर आरोप लगाया कि BJP नागरिकता कानून लागू करने के लिए ही ऐसे हथकंडे अपना रही है, लेकिन सरकार BJP के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि वो किसी भी कीमत पर CAA और NRC को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। खासतौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में नागरिकता कानून लागू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले ही CAA को लाया जाएगा। चुनाव से पहले लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय होने से TMC को BJP पर हमला करने का मौका मिल गया है। गौरतलब बात यह है कि इससे केवल मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू परिवार भी प्रभावित हुए हैं। आपको ये बता दें कि हिंदू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसी घटना से BJP नेता भी परेशान है। मथुआ समाज के लोग TMC के अलावा BJP को भी वोट करते हैं। मथुआ हिंदू धर्म के होते हैं और वो अनुसूचित जाति में आते हैं। उधर तृणमूल कांग्रेस ने आम लोगों की नाराजगी और चिंता को हथियार बनाते हुए BJP नेताओं पर हमला शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मथुआ महासंघ ने सोमवार को इस मुद्दे पर आपात बैठक में इस पर चर्चा भी की। लोकसभा चुनाव से पहले आधार कार्ड निष्क्रिय होना BJP के लिए भी उल्टा साबित हो सकता है, और इसकी वजह यह है कि BJP कहती है कि वो CAA लाकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से वहां रह रहे अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देंगे और NRC लाकर देश में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों को बाहर निकालेंगे। देश में सबसे ज्यादा अवैध तौर पर घुसपैठ करने वाले लोग पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में सेटल हैं। TMC लोगों के बीच ये भ्रम फैला सकती है कि BJP पश्चिम बंगाल सरकार और वहां रह रहे गरीब लोगों से नफरत करती है और इसी वजह से वो आधार कार्ड निष्क्रिय कर उन्हें देश से बाहर निकालने की साजिश कर रही है। अब दूसरी तरफ BJP नेता भी पूरी तरह से इसकी काट में लगे हुए हैं। मथुआ तबका राज्य का एक अहम वोट बैंक रहा है। पहले इस पर तृणमूल कांग्रेस का ही कब्जा था, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने इसमें सेंध लगाई थी। तो फिलहाल इस तबके के सांसद शांतनु ठाकुर केंद्र में मंत्री भी हैं, और यही वजह है कि मथुआ समुदाय के लोगों के आधार कार्ड रद्द होने के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के साथ केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर भी डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत मैदान में उतर पड़े हैं। प्रदेश BJP अध्यक्ष सुकांत मजुमदार और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने इस मुद्दे पर सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद इसे तकनीकी गलती करार दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी भरोसा दिया है कि जल्दी ही ऐसे तमाम रद्द आधार कार्ड फिर सक्रिय हो जाएंगे। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।